हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने जो बच्चे के हार्ट बीट है उससे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो लड़कियाँ और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि लड़कियाँ जो होती है वो ज़्यादा केयर करती हैं बजाय बॉय के, क्योंकि बॉय उतना केयर नहीं करते। मैं मानती हूँ कि 100% में 20% बॉय ही ज़्यादा अपने माँ बाप की केयर करते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा करीब होती हैं लड़कियाँ ही माँ बाप को ज़्यादा करीब होती है, इसलिए हमें उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। और मुझे एक बेबी बॉय है, तो मैं उसकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो हार्ट बीट आई है, 2-3 अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, तो वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग कैसे थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। ये जो होता है हार्ट बीट, वो कन्फर्म नहीं होता है कि इससे आपको कन्फर्मली बेबी बॉय ही होगा या फिर बेबी गर्ल ही होगा, तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं, किसी केसेस में सही होता है, किसी में रॉन्ग भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे और लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो पहला पीरियड जो मिस हुआ था वो 22 नवंबर को हुआ था। तो 22 नवंबर के बाद हमने चेकअप करवाया था, दिसंबर में चेकअप कराने गई थी मैं पहली बार, अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी, तो उसको बोला था कि इसको 5 डेज तक खाने के लिए और उसके बाद प्रेगनेंसी चेकअप करके फिर मेरे पास आने के लिए। तो फिर मैंने ऐसे ही किया और मैंने फिर चेकअप किया तो वो पॉजिटिव था। तो फिर इसलिए मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो फिर उन्होंने मेरा एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाला। तो मेरी जो ये पहली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है 25/12/2018 की है, और इसमें जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 147 है, कि 140 से लेके 180 के बीच में ऐसे कोई हार्ट बीट होता है तब बेबी बॉय होता है। और इसके अलावा अगर और कोई हार्ट बीट होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केसेस में पहले मेरे अल्ट्रासाउंड में 147 था, ये देखिए 147 था। और फिर मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया था जनवरी में, 5 जनवरी, देखिए यहाँ पे 5 जनवरी 2019 में मैंने सेकेंड अल्ट्रासाउंड कराया था और उसमें हार्ट बीट थोड़ी सी चेंज हो गई थी। और उसमें मेरी हार्ट बीट थी मेरे बेबी की 143 हार्ट बीट थी। और उस टाइम 143। और ये जो तीसरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें 20/3/2019, ये मैंने 20 मार्च को कराया था। और इसमें जो बेबी की हार्ट बीट है वो 144 है, ये देखिए। तो इसमें 144 है, तो इस हिसाब से आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे 1-2 महीने में कभी भी, तो ये जो हार्ट बीट होती है थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अगर आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 से ऊपर है, 140 से नीचे नहीं होना चाहिए, 140 से ऊपर है तो आपको बेबी बॉय ही होगा ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे कन्फर्मली नहीं पता है, मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा दी, आई होप आप लोगों को कुछ इससे आइडिया मिला होगा प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों की हेल्प के लिए, और हेल्पफुल लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये वीडियो हेल्पफुल रही तो मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को